हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज के सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉब कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन कुछ जीरो का कुछ असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इफ 8 - 8 इक्वल टू 63 एंड 6 - 6 इक्वल टू 35 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 - 11। इसका आंसर होगा 120। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल इज रिलेटेड टू क्यू सी यू पी जे इन द सेम वे एज डबर is related to EC EYW. Then next question, a clock shows 5 o'clock in the evening. How many degrees would the hour hand have rotated when the clock shows 11 o'clock at night? Iska answer hoga 180 degree. Next question, what will be the circumference of a circle inscribed inside a square of साइड 23 मीटर? इसका आंसर होगा 23 पाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपनी 50% ऑफ द एम्प्लॉई लाइक कॉफी, 20% लाइक टी एंड 10% लाइक बोथ। इफ 80 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द कंपनी, हाउ मेनी एम्प्लॉयज लाइक नाइदर कॉफी नॉट टी? इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 32। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग इमेज? ये जो इमेज है इसमें टोटल स्क्वायर है 27। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नोटबुक ऑफ द सेम प्राइस वर बॉट फॉर 74.8 एट द डिस्काउंट ऑफ 50%, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच ऑफ नोटबुक्स? इसका आंसर होगा 44। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेट्रो ट्रेन 55 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए वुमन हु इज जॉगिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इन विच द ट्रेन इज गोइंग? इसका आंसर होगा 1.6 सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 3 मीटर, द व्हील रोल्स 14 टाइम्स इन ए मिनिट टू कवर ए डिस्टेंस 5.280 किलोमीटर, द व्हील विल टेक डैश मिनट? इसका आंसर होगा 20 मिनट्स। The next question, Ramesh decides to add tiles to a rectangle shape floor that measured 90 m into 74 m. To add the tiles, the mason charges rupees 11 per square meter. Find the amount that Ramesh needs to pay the masons. Iska answer hoga 73260. Iska baad hum log kya karenge? Iska baad hum log check answer and submit pe click kar denge. चेक आंसर एंड सबमिट पे क्लिक करते देखिए इसका जो आंसर है सारा दिखा रहा। पहला जो आंसर हम लोग किए उसका आंसर सही है 120, देन सेकंड वो भी करेक्ट है, थर्ड 180 ये भी करेक्ट है, फोर्थ 23 पाई ये भी करेक्ट है, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है 32 ये भी करेक्ट है, और सिक्स का जो आंसर है 27 ये भी करेक्ट है, सेवन जो है 44 ये भी करेक्ट, एट का 1.6 सेकेंड ये भी ठीक, नाइन का जो है 20 मिनट्स ये भी ठीक है, देन 10 का 73,260 ये भी ठीक है। तो सबमिट करने के बाद ये आंसर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट इसीलिए दिया गया है कि हम सब लोग देख सकते हैं कि कैसा हम लोगों को असाइनमेंट अटेंड करना है और उसका आंसर सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ग्रेडेड प्रैक्टिस, पहले ही लिखा हुआ प्रैक्टिस वीक जीरो असाइनमेंट वन नॉन ग्रेडेड, मतलब इस टाइप का असाइनमेंट हर वीक में दिया जाएगा और एमसीक्यू टाइप का रहेगा। तो आंसर हम लोग को क्या करना है, जो एक्चुअल आंसर है उसको सिलेक्ट करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट हम लोग तब तक कर सकते हैं जब तक इसका लास्ट डेट पार ना हो जाए, मल्टीपल टाइम्स हम लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। और हर वीक में क्या दिया जाएगा, हर वीक में जो क्विज असाइनमेंट है, ये क्विज असाइनमेंट का बाद भी 3 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी दिया जाएगा, जहाँ पे एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसका टेस्ट केसेस दिया हुआ रहेगा और एक कोडिंग विंडो रहेगा जहाँ पे हम लोग को कोड करके सबमिट करना है। सबमिट करने का टाइम क्या दिखाएगा, पहले जो हम लोग का कंपाइलेशन पार्ट है ना टेस्ट करने के लिए, पहले टेस्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो टेस्ट केसेस है वो पास किया है कि नहीं, देन नेक्स्ट टाइम में क्या करना है सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट करेंगे जो फाइनल टेस्ट केसेस है वो भी सारा पास किया है कि नहीं वो भी दिखाएगा। अगर बोथ केसेस में हम लोग का सारा टेस्ट केस पास कर जाएगा, मतलब हम लोग जो कोडिंग असाइनमेंट करेंगे वो हम लोग का पूरा 100% करेक्ट है, उसका फुल मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।